नमस्कार फ्रेंड्स। यह तो पापड़ आपने बहुत खाए होंगे भून के और फ्राई करके। आज पापड़ का स्नैक बनाते हैं। पैन गरम करेंगे, उसमें थोड़ा तेल डालेंगे, फिर हरी मिर्च और प्याज को काट के डालेंगे। बस हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकालना है। और फिर हम उसमें भुट्टा डालेंगे और उसे अच्छे से भूनेंगे। थोड़े भुट्टे को पकाना पड़ता है, इसलिए 2 से 3 मिनट उसको अच्छे से चलाते हुए भूनिएगा। जब उसमें से तड़कने की आवाज़ आए, तब टमाटर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी काट के आप उसे सॉटे करें। हमें जैसे मैंने बताया कि इसे पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। क्रिस्पी है, नमक है, हींग है, हल्दी है और जीरा पाउडर है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर को निकाल के एक तरफ रख देंगे। मैं उसमें एक उबला हुआ भी आलू डाली थी, उसे भी अच्छे से मिक्स करके आप एक साइड में रख दीजिएगा। उसको ठंडा हो, मैंने बेसन लिया, उसमें नमक, हींग और थोड़ी सी हल्दी डाल के गाढ़ा पेस्ट बनाया है। फिर मैंने पापड़ लिया। पापड़ आप मूंग का, मैदे का, कोई भी पापड़ आप ले सकते हो। मैंने लिज्जत का पापड़ लिया है। इस पापड़ को लेके हम अच्छे से पानी में डब करेंगे। फ्रेश यूँ तो ये ऐसे बहुत कड़क है, तुरंत निकाल के नहीं होगा। उसको आप 1 से 2 मिनट तक पानी में छोड़ेंगे, फिर इस तरह से थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगर पापड़ कहीं से टूट जाता है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें। जब वो सॉफ्ट होगा, जब हम बेसन का इस तरह से घोल लगाएंगे तो सॉफ्ट होगा ना, तो आप उसको मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से लगाया और अच्छे से जॉइंट कर दिया है। तो ये अभी मैंने प्लेट में रखा है ना, इसको 2-3 मिनट में भी ये सॉफ्ट हो जाएगा जब तक आप बनाएंगे। मैंने तो ये वीडियो में बहुत स्लो दिखा रहे हैं, इसे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो पापड़ टूटने लगता है, चिपकने लगता है। इस तरह से आप उसको लगा दीजिए, जब तक 2-3 बनाइए, फ्राई करिए, फिर बनाते रहिए, फिर फ्राई करते रहिए फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत जल्दी ये ख़राब होने लगता है। तो मेरी फ्रेंड्स, वीडियो अगर यूज़फुल लगती है, अच्छी लगती है, तो उसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। फ्रेंड्स, तैयार है पापड़ के अच्छे खासे स्नैक्स, बहुत टेस्टी है, यमी है। इंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय।